एग्जाम में अक्सर वर्बल और नॉन वर्बल कोड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल कोड दोनों का उपयोग होता है वर्बल कोड का मतलब सिर्फ शब्दों से है जो कम्युनिकेशन को आर्टिकुलेट और प्रसाइज बनाते हैं ये शब्द स्पोकन या रिटन में होते हैं वर्बल कोड कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को रेफर करता है जो वर्ड और ग्रामर के उपयोग से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है स्पोकन लैंग्वेज जैसे डेली कॉन्वर्सेशन स्पीचेस डिस्कशन आदि होते हैं वही रिटन लैंग्वेज जैसे बुक्स आर्टिकल्स ई कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है सोचिए शब्दों के बिना हम अपने इमोशंस और मैसेजेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो ये मैजिक होता है नॉन वर्बल कोड का नॉन वर्बल कोड कम्युनिकेशन में जेस्टर्स एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज टोन और का यूज होता है ये वर्ड्स के बिना भी पावरफुल मैसेजेस कॉन्वे करता है ये कम्युनिकेशन का सबसे पुराना और नेचुरल फॉर्म है जो कल्चर और लैंग्वेज से परे होता है फेशियल एक्सप्रेशन जैसे खुशी गुस्सा या दुखी होना जेस्टर्स जैसे हाथ मिलाना या थम्स अप देना बॉडी लैंग्वेज जैसे पॉस्चर आई कॉन्टैक्ट और टोन ऑफ वॉइस हार्श या सॉफ्ट होना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है और मैसेजेस को इनहेंस करता है यह है एक साइलेंट लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन को मोर एक्सप्रेसिव और इफेक्टिव बनाता है